नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में बी इनफॉर्म। और इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग लेकर आते रहते हैं रोज एक ताज़ा खबर, खास तौर से क्रिप्टो और बिटकॉइन से रिलेटेड मार्केट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज मार्केट चल रहा है, बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में अलग अलग कंट्रीज से, और उसका असर दिख रहा है साफ। और 7900 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। आज 27 तारीख है, 27 मार्च, और कल ये और भी रात को काफ़ी गिर चुका था। अभी थोड़ा सा रिकवर किया है। $464 पे इथेरियम चल रहा है, 0.5 सेंट पे रिपल, जो ये टॉप के जो तीन हायर महारथी, इस समय उनकी रेट काफ़ी डाउन चल रही है। ऐसे देखा जाए दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इसी समय घुसते हैं मार्केट में ताकि उनको प्रॉफिट तुरंत मिल जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2-3 महीने में मार्केट काफ़ी डाउन गया है। लेकिन जब जब डाउन गया है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिग शार्क्स, उन्होंने प्रॉफिट ज़रूर बुक किया है, नया खरीदते हैं और तुरंत जैसे ही बढ़ता है वो बेच देते हैं। कुछ खबरें आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग स्टेट से, और वहाँ की ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पूछ रही है कि क्या रूल्स बनाए जाए वहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है कॉइन डेस्क पे, ऑस्ट्रेलिया सीक्स पब्लिक इनपुट ऑन क्रिप्टो टैक्स गाइडलाइंस। बेसिकली वहाँ पे अभी कुछ समय पहले अलग रूल्स बनाए थे, लेकिन उसको अब ये लोग अपडेट कर रहे हैं। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। द अपडेट पॉइंट टू द फैक्ट दैट कैपिटल गेन्स फ्रॉम द एक्सचेंजिंग वन क्रिप्टो करेंसी टू अनदर आर सब्जेक्ट टू लाइबिलिटीज। अगर आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी ले रहे हैं तो उस पर कैपिटल गेन्स किस तरह से लगाया जाए, इस बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। द गाइडलाइंस मैंडेट दैट टैक्सपेयर प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सच एज देयर वैल्यू इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, their purpose as well as information about the timing and parties involved। तो ये लोग और भी जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं टैक्स पेयर से, जैसे कि इन्होंने कब खरीदा, किस पर्पज से खरीदा, किस टाइम पे खरीदा, उस समय क्या वैल्यू थी, और इस समय उनकी फंड्स की ऑस्ट्रेलियन डॉलर में क्या वैल्यू है। तो ये लोग अभी इसके ऊपर पूरा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, पब्लिक से ही पूछ रहे हैं कि इसको किस तरह से और किया जा सके ताकि कोई भेदभाव ना रहे। इसके ऊपर एक और न्यूज आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से ही आ रही है, और वहां के दो ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने रिवील किया है कि उनके पास बिटकॉइन होल्डिंग है। टू सिटिंग मेंबर्स फ्रॉम द लेजिस्लेचर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ क्वींसलैंड हैव रिवील्ड दैट दे प्राइवेटली ओन बिटकॉइन। The declaration has been made for the state's registrar of members' interest, which lists information including the property trust and union membership of Queensland politicians. Queensland करके वहाँ पे state है, वहाँ के current के दो जो ministers हैं, उन्होंने reveal किया है कि उनके पास Bitcoin में या cryptocurrency में कुछ investments हैं। Mr. Dick D'Amato, वहाँ के एक रिसेंटली इलेक्टेड एमपी हैं और कैटर्स ऑस्ट्रेलियन पार्टी के उम्मीदवार हैं वो, और उन्होंने बताया है कि हैज डिस्कस इज बिटकॉइन होल्डिंग्स विद हैशफ्लेयर मीडिया। उन्होंने बताया है एक जानकारी में कि उनके पास कुछ होल्डिंग्स हैं विद हैशफ्लेयर मीडिया। वो बताते हैं आगे कि मिस्टर डमेटो कि उन्होंने बिटकॉइन अक्टूबर 2017 में लिया था और वो बढ़ते बढ़ते 60,000 तक भी पहुंच गया था, 5,000 का इन्वेस्टमेंट, जिससे वो काफी खुश है। इस तरह से खबरें आ रही हैं। और नेक्स्ट खबर जो आ रही है वो बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों, वो है हमारे प्यारे नेल्सन मंडेला के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक आइकॉनिक फिगर है मिस्टर नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के लिए और दुनिया के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, और उसके लिए उनको कई सालों तक जेल में भी रखा गया था, लेकिन
उनके जैसा एक इंसान ना दुनिया में कभी हुआ है ना कभी हो पाएगा, क्योंकि तो उन्होंने जो किया है साउथ अफ्रीका के लिए या दुनिया के लिए वो बहुत कुछ है। और उसी से रिलेटेड एक बिटकॉइन के बारे में खबर आ रही है दोस्तों। खबर ये आ रही है कि उनके बनाए हुए कुछ गोल्डन हैंड्स थे जो कि एक 99.98% प्योर गोल्ड के थे और उसके इम्प्रिंट से बनाए गए थे। वो बनाए थे मिस्टर डंकन, मेलकम डंकन एक कैनेडियन एंटरप्रेन्योर थे जो उनसे मिले थे 2002 के बाद। उन्होंने उनके साथ मुलाकात करके कुछ उनके हैंड्स के इम्प्रिंट लेकर के 27 सेट बनाए थे गोल्ड के। कुछ तो पहले बिक गए थे लेकिन कुछ अभी भी बाकी हैं। वो जो हैंड बनाए थे ईच ईयर बिटवीन 64 से 90, मतलब उनके जेल जाने से पहले से जेल से वापस निकलने तक अलग अलग ईयर्स में अलग अलग उनके हैंड्स के बनाए थे 100% गोल्ड के। तो इस समय ये खबर आ रही है कि 10 मिलियन के उन्होंने बिटकॉइन में हैंड्स के इंप्रिंट जो 100% प्योर गोल्ड के हैं वो बेचे हैं। वो बेचे हैं बेसिकली उन्होंने एक द डिग्निटी कॉइन बैक विल बी बैक्ड बाय द गोल्ड, एक क्रिप्टो करेंसी एक एक्सचेंज आने वाला है और वो गोल्ड से रिलेटेड होगा। तो क्रिप्टो करेंसी वालों को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि अगर हम नेल्सन मंडेला जी के हैंड्स जो गोल्ड के बने हुए हैं उसको क्रिप्टो करेंसी में परचेज करें तो आप, तो इससे उनको मीडिया कवरेज काफ़ी मिल रहा है। और उन्होंने कुछ पेमेंट कैश में किया है, मतलब कैश से मतलब जो उनकी रेगुलर फिएट मनी है, और बाकी का उन्होंने कुछ क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन में किया है। इसका पेमेंट कुछ क्वार्टरली पेमेंट का बता रहे हैं कि जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे वो पेमेंट करते जाएंगे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि वो आधे पैसे को चैरिटी में दे देंगे और कुछ पैसे को वो इमिडिएटली कैश करा लेंगे। इस तरह से अलग अलग न्यूज आ रही है। देखिए ये कैसा हैंडल, बहुत ही बेहतरीन। इसके बारे में बताते हैं कि बहुत ही फाइनली बनाया गया है ये, जिसकी हैंड्स की जो इम्प्रिंट्स हैं बहुत अच्छी हैं, इसकी जो अंदर की जो लाइनिंग्स हैं बहुत डिटेल्ड में है, बहुत ही सुंदर बता रहे हैं ये। ये देखिए एक फिगर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अलग अलग वेबसाइट से को ढूंढ के निकाला है। ये इस तरह से लिए हैं, ये देखिए ऐसे कुछ हैं इम्प्रिंट्स इस तरह से अलग अलग। तो दोस्तों आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ अवर रेगुलर अपडेट्स एंड बी इन्फॉर्म्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।